Episode number 2748. Title: The Hope to Break Free. शुरुआत में वेरी हाई के एलिट लोग बार बार उससे मिलने महल के अंदर आते थे। वे उसके स्केल को हटाने के लिए नए नए तरीके भी आजमाते थे, लेकिन वे हर बार असफल होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका आना जाना कम होता गया। जैसे कि वीर हमेशा की तरह आज भी उस महल के सीढ़ियों पर बैठा था, अब तक 10 दिन हो गए थे जब उसने आखिरी बार किसी वेरी हाई के एलिट को देखा था। अभी वेरी हाई के लोग वीर की मदद नहीं कर रहे थे, वे उसके उत्पीड़क बन गए थे। वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि वीर श्राप के माध्यम से ड्रैगन का पुनर्जन्म था, लेकिन अपनी सामान्य शैली में वेरी हाई ने उसे वहां फंसाने का विकल्प चुना था, क्योंकि इस बात की थोड़ी सी संभावना थी कि वह विनाशकारी हो सकता है। वे उसे जाने नहीं देने वाले थे। वेरी हाई ने मुझसे वादा किया था कि वे सोनल को स्काई पैलेस भेजेंगे। मुझे लगता है कि वे कम से कम मेरे लिए ऐसा करेंगे। अब ये सब मेरे ऊपर निर्भर है। मुझे बचने का कोई रास्ता निकालना होगा। वीर ने कई कोशिशें की, लेकिन वे सभी बेकार लगी। महल बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। वह एलायंस तक में भी नहीं जा सका। वह देवता क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में भी नहीं जा सकता था। वह स्थान एक विशाल कारागार के समान था। वह वास्तव में जीवित नहीं था, न ही वह वास्तव में मर रहा था। वह वही था, वह फंस गया था। मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? वीर ने आह भरी। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने कहा, ठीक है, शायद मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। वीर का दिल उछल पड़ा। वह महल में अंदर भाग गया और द्वार बंद कर लिया। वीर कुछ समय से वहां रह रहा था, इसलिए वह मोटे तौर पर जानता था कि जेड बोतल कैसे काम करती है, क्योंकि बोतल के अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी, इसलिए अंदर या बाहर देखना असंभव था। जब तक वेरी हाई स्वयं मिलने नहीं आते, वे यह नहीं देख पाएंगे कि वह अंदर क्या कर रहा था। वीर पहले ही इसका परीक्षण कर चुका था, इसलिए उसे यकीन था कि यही मामला था। एक बार जब वीर ने खुद को महल में बंद कर लिया, तो उसने डेस्टिनी टॉवर से कुछ मंगाया। यह एक ब्रोंज मेटल की वस्तु थी जो कुछ मीटर ऊंची थी। एक भेड़ के सिर ने प्रत्येक ब्रोंज वस्तु के चारों कोनों को चिन्हित किया और पूरी चीज बुरी लग रही थी। भेड़ के सिरों में से एक मुझे उस दुनिया में भेज सकता है जिसने ब्रेकस की जल्फा को फंसाया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्य 3 भेड़ों के सिर भी यही काम करते हैं, या क्या वे मुझे कहीं और ले जा सकते हैं। ये चीज मुझे आउटर स्काई से दूर ले जाने में सक्षम थी, इसलिए शायद यह अभी भी यहाँ काम करेगी। वीर ने दांत पीस लिए। वह फोर शीप क्यूब पर एक भेड़ के सिर के पास से गया। मौन प्रार्थना के साथ उसने अपना हाथ भेड़ के सिर पर रखा। वीर के हाथ के दबाव से भेड़ का सिर झुक गया। वस्तु के केंद्र में काली और सफेद मछली तेजी से तैरने लगी। उनकी गति से पानी के भीतर एक भंवर बन गया। वीर को अपने शरीर को भंवर में खींचने के लिए सक्शन की शक्ति महसूस हुई। वह आश्चर्यचकित था कि यह वास्तव में काम कर गया था। वह नहीं जानता था कि फोर शीप क्यूब उसे इस बार कहां ले जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां था। यह मुक्त होने का एक मौका था। वह हमेशा महल में नहीं रहना चाहता था। वही जब वीर दूसरी ओर पानी से बाहर आया, तो उसे तुरंत पता चल गया कि वह अब महल में नहीं है। वीर को अपनी त्वचा पर स्केल उजागर होने का डर था, इसलिए उसने तुरंत अपना प्रोफेसर मंत्रा का कवच पहन लिया। भले ही किसी प्राणी को प्रोफेसर मंत्रा के कवच के बारे में पता हो, वे बस यह मान लेंगे कि वह डॉलर था। किसी को पता नहीं चलेगा कि वह वेरी हाई के ट्रू गॉड खजाने वाले आइटम से बच गया था। ये कौन सी जगह है? वीर ने चिंतित होकर इधर उधर देखा। जितनी तेजी से हो सकता था आगे बढ़ते हुए,
वीर फोर शीप क्यूब में लौट आया। उसने अपना हाथ एक भेड़ के सिर पर पटक दिया। वीर एक विशाल पत्थर के मंच पर खड़ा था जो डरावने पत्थर ज़ेनोजेनिक से घिरा हुआ था। पूर्व की ओर एक ज़ेनोजेनिक था जो एक सफेद बालों वाला काले चेहरे वाला विशाल वानर था। दक्षिण की ओर गाय के सिर वाला एक मानव शरीर वाला डेमन था। उत्तर की ओर एक ज़ेनोजेनिक था जो किरण जैसा था। पश्चिम की ओर नौ सिर वाला एक अजीब सांप था। चार विशाल ज़ेनोजेनिक्स ने एक भयावह उपस्थिति दर्ज कराई। उन्हें महसूस करते ही वीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मॉन्स्टरों ने पत्थर के मंच को घेर लिया था। इस पर ऐसा मंडरा रहे थे मानो पत्थर का मंच एक खाने की मेज हो और वीर बीच में एकमात्र सॉसेज था जिसके लिए वे लड़ेंगे। पेंग, वीर सफेद बालों वाले काले चेहरे वाले विशाल वानर के हाथ को अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकता था। वीर पहले से ही फोर शीप क्यूब में समा रहा था और फिर उसकी दृष्टि घूमने लगी। जब वह पानी से बाहर आया तो वह वेरी हाई बोतल के भीतर मौजूद महल में वापस आ गया था। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी प्रतिक्रियाएं तेज थी। यदि मैं बहुत धीमा होता तो मैं उन डरावने ज़ेनोजेनिक्स के लिए भोजन बन जाता। वीर ने अपनी छाती थपथपाए और कांपती आवाज में खुद से बात की, अपने भयभीत छोटे दिल को सांत्वना देने की कोशिश की। वीर उस डरावनी जगह पर वापस जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने उन दो भेड़ों के सिरों को देखा जिन्हें उसने यूज किया था और कहा, फोर शीप क्यूब मुझे केवल ऐसी अजीब और खतरनाक जगहों पर ही क्यों भेजता है। फोर शीप क्यूब वीर के बचने का एकमात्र मौका था। वह प्रयास करना बंद नहीं कर सका जब तक वह सभी चार स्थानों की यात्रा करने का प्रयास नहीं कर लेता। तब तक उसने आशा नहीं छोड़ी। वीर ने एक और भेड़ का सिर दबाते हुए अपने दांत पीस लिए। फोर शीप क्यूब फिर से सक्रिय हो गया और इसने वीर को अपने अंदर समा लिया। वही कहीं दूसरी ओर वीर फोर शीप क्यूब से बाहर आया। उसका शरीर पहले से ही तनावग्रस्त था। उसने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई। सौभाग्य से चीजें पिछले स्थान से भिन्न थीं। यहाँ कोई डरावना ज़ेनोजेनिक्स उसे घूर नहीं रहा था। ये जगह काफी सामान्य लग रही थी। वीर एक एस्टेरॉइड बेल्ट में से एक एस्टेरॉइड पर खड़ा था। उसे स्पेस में बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे थे। उसके चारों ओर बहुत बड़े बड़े तारे थे। वीर ने तारों को देखा और महसूस किया कि आसपास भी कई ग्रह थे। उसने जीवन शक्ति वाला एक ग्रह देखा। थोड़ा झिझकते हुए वीर ग्रह की ओर उड़ गया। इसकी तो क्या ये घास का मैदान है। वीर द्वारा उस ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वही देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ग्रह की पूरी सतह घास के मैदान से ढकी हुई लग रही थी। उसने उन खेतों में बहुत सारी भेड़ें चरती देखी। वे सभी एक साथ भीड़ में थे और भेड़ों के सबसे छोटे झुंड में कम 1,000 थे। भेड़ें विभिन्न रंगों और नस्लों की थीं। उनमें से अधिकांश मृगों की तरह पतले और तेज दिखते थे। उनमें से कुछ बकरियों की तरह हृष्ट पुष्ट और शक्तिशाली थे। उनमें से कुछ बिल्कुल साधारण भेड़ों की तरह दिखते थे। क्या मैं भेड़ फार्म में आ गया हूँ? ये शर्म की बात है कि जिस धोखेबाज भेड़ से मैं अलायंस के आयामों वाले साकार ग्रह में मिला था वह यहाँ नहीं है। अगर वह यहाँ होती तो वह मेरे लिए ट्रांसलेट कर सकती थी और भेड़ों से पूछ सकती थी कि यह जगह कहाँ है। वीर समझ गया कि भेड़ों के झुंड कोई ताकतवर नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि औसत भेड़ बैरन क्लास से बड़ी नहीं है। यहाँ तक कि विस्काउंट क्लास वाले भी दुर्लभ थे। वीर ऐसे कमजोर प्राणियों से घिरे रहने का आदी नहीं था। फोर शिप क्यूब के अन्य दो भेड़ों के सिरों ने वीर को बहुत खतरनाक स्थानों पर भेज दिया था, लेकिन अब वह शिकार जानवरों की दुनिया में था। उसे इसकी आदत नहीं थी। जैसे ही वीर घास के मैदान पर उतरने के लिए नीचे उतरा, भेड़ों के झुंड ने उसे देख लिया और उसे घेरने के लिए दौड़ पड़े।
जब वीर आसमान में था तो भेड़ों में से एक उस पर मिमियाने के लिए आगे आई। वीर भेड़ की बोली नहीं बोलता था, इसलिए उसने प्रोफेसर मंत्रा के क्षेत्र को सक्रिय किया और भेड़ के दिमाग को पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तभी उसने भेड़ों को यूनिवर्सल भाषा बोलते हुए सुना। यह उससे कह रही थी कि बाहरी व्यक्ति, तुम भगवान के खेत यानी गॉड्स फार्म में कैसे आए? यह अच्छा है कि यह यूनिवर्सल भाषा बोल सकती है, वीर ने खुशी से सोचा। उसने भेड़ की ओर देखा और कहा, मैं अंतरिक्ष में खो गया था और संयोग से मुझे ये ग्रह मिल गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे बता सकोगे कि यह जगह कौन सी है। यदि यह संभव है तो क्या तुम मुझे एक स्टार मैप बेच सकते हो? जब भेड़ों के झुंड ने वीर की बात सुनी तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत मानवीय दिखी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंसने लगे। वीर ने कभी भी भेड़ों के एक विशाल झुंड को मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए नहीं देखा था। ये बहुत ही अजीब नजारा था। उसने भौहें चढ़ा ली और ठंडे स्वर में कहा, इसमें इतना मजाकिया क्या है? भेड़ों में से एक ने हंसते हुए कहा, ये भगवान का खेत है। हम वह भोजन है जो परमेश्वर के लिए उगता है। एक बार जब आप यहाँ आ जाते हैं तो फिर नहीं जाते। तुम और मैं मिलकर गॉड यानी भगवान का भोजन बनेंगे। मैं अपनी इच्छानुसार आ जा सकता हूँ, कोई भी मुझे यहाँ नहीं रख सकता, वीर ने झुंझलाहट में कहा। झुंड ने वीर को प्रसन्नता से देखा। भेड़ों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसे आजमाओ, देखे कि क्या तुम गॉड्स फार्म छोड़ सकते हो। ये भगवान का खेत जिसके बारे में तुम बात करते रहते हो, क्या तुम्हारा अभिप्राय संपूर्ण ग्रह से है? वीर ने पूछा। हाँ, भीड़ ने सिर हिलाकर पुष्टि की। यहाँ से जाने में इतना कठिन क्या है? वीर झुक गया और फिर खुद को एक रॉकेट की तरह आकाश में उड़ा दिया। उसका इरादा वायुमंडल से बाहर उड़ने और उस क्षेत्र से ढके ग्रह को पीछे छोड़ने का था। जब उसने हवा में बदलाव देखा तो वह वातावरण से लगभग बाहर निकल चुका था, लेकिन अचानक हवा एक साथ आकर एक विशाल ब्लेड बन गया जो उसके उल्टे ही उसकी ओर तेजी से आया। वीर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ में तलवार की रोशनी उत्पन्न की और विशाल ब्लेड की ओर बढ़ गया। पेंग! तलवार की रोशनी विशाल ब्लेड से टकराए और वीर को अपने ऊपर खर्च हुई शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ। इसने उसे हवा से बाहर गिरा दिया। वह ग्रह की सतह पर वापस गिर गया और वह जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि एक बड़ा गड्ढा बन गया। विशाल ब्लेड ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। वीर ने आसमान की ओर देखा। भेड़ें हंस रही थी। चूंकि तुम अब यहाँ हो, तुमको अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। देर सवेर तुम भगवान का भोजन बन जाओगे। तुमको इसे स्वीकार करना होगा। वीर को विश्वास नहीं था कि यह गॉड्स फार्म है, जब तक कि गॉड मेमने की टांगों का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं था। यदि गॉड केवल भेड़े पालता तो उसे बहुत अधिक खेल की गंध आती। वीर ने अपना ध्यान वापस आकाश की ओर लगाया और फिर से हवा में कूद गया। वह एक बार फिर स्पेस की ओर बढ़ रहा था। जब वीर लगभग वायुमंडल से बाहर निकल गया तो विशाल ब्लेड फिर से प्रकट हुआ और उसकी ओर तेजी से आया।